नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं बर्बर मर्डर पर मौलाना की खूनी तकरीर। और ये कौन है? ये है अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती को देश के कानून पर भरोसा ही नहीं। क्या सरवर चिश्ती मुस्लिमों को भड़का कर देश में दंगा करवाना चाहते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि शायद चिश्ती साहब ने बहराइच के बारे में नफरती एजेंडा तैयार कर लिया है। सरवर चिश्ती ने कैसा जहरीला वीडियो वायरल किया जो सीधे तौर पर भड़काने का काम कर रहा है, और वीडियो में चिश्ती कह रहे हैं कि मुस्लिमों को गालियां देंगे तो फूल नहीं बरसाएंगे। वीडियो में सरवर चिश्ती कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी कौम बुजदिल नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसी बयानबाजी कर वो मुस्लिमों को क्यों भड़काना चाहते हैं? और सवाल यह भी है, क्या वो रामगोपाल के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं? सवाल और भी है जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर खून तो बरसेंगे नहीं। ये कौम को बुजदिल बनाने वाली बात है। हमारी कौम बुजदिल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को डराओ, लेकिन डरना भी तो जुर्म है। आपने तस्वीरें भी देखी और मौलाना सरवर चिश्ती का बयान भी सुना। बहराइच में बवाल के बाद राम गोपाल की हत्या हुई तो इस पर अफसोस जताने की बजाय नफरत फैलाने का मिशन शुरू हो गया। अजमेर की दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने भड़काऊ बयान देकर एक बार फिर से जहर फैलाने की कोशिश की है। एक बार फिर से सुनिए सरवर चिश्ती का वो बयान जिसमें सिर्फ और सिर्फ जहर है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़ नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना ने जहरीले बयान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलाना सरवर कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। मौलाना सरवर का कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुल्क के प्रधानमंत्री खामोश, लॉरेंस बिश्नोई जेल से सुपारियां लेता है, नामचीन मुसलमानों को मारता है, कभी सिखों को मारते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं हो तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? धर्म के अंदर क्राइम भी जोड़ दिया, तो ये तो धार्मिक एक जो है रैली ना होके एक सांप्रदायिक रैली हो गई। ऐसा नहीं है कि सरवर चिश्ती ने पहली बार इस तरह का जहर उगला है। इससे पहले भी सरवर चिश्ती के बयान से फूलों की बजाय शोले निकले। सवाल ये है कि जब धर्म गुरु ही इस तरह की जहरीली जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो कथित दंगा ब्रिगेड पर इसका क्या असर होगा? सवाल ये भी है कि इस तरह की जहरीली जुबान पर ताला कैसे लगेगा, और क्या ये बयानबाजी मजहब के नाम पर कौम को भड़काने की कोशिश नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब यूपी मांगे उत्तर के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है। पहला हमारा सवाल है, रामगोपाल कमांडर मौलाना क्यों उगले जहर? जी हाँ, रामगोपाल कमांडर वैसे ही पहले माहौल तनावपूर्ण है, अब वो जहर क्यों कर रहे हैं? कोई मजहबी झंडा हटाएगा तो गोली मार देंगे? अगर ऐसा किया तो आप हत्या ही कर देंगे क्या? नफरती जुबान पर कैसे लगेगा ताला? इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कैसे ताला लगे? क्या मर्डर के समर्थन में है सरवर, या क्या मर्डर के समर्थन में है सरवर? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। तो चलिए आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं वो वीएचपी के, जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। साध्वी गीतांबा जी जुड़ गई, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी गीतांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजना मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर सामाजिक कार्यकर्ता। अजना मोबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहबुद्दीन बरेलवी मुस्लिम धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शाहबुद्दीन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सर, उन्होंने क्या बयान दिया
उस बयान के पीछे क्या तर्क है उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सर जो अभी बहराइच में हिंसा हुई, मेरा एक आपसे सवाल है, किसी बड़े लीडर, बड़े हिंदू धर्म गुरु ने कोई ऐसा विवादित बयान दिया, हिंदू धर्म गुरु की बात कर रहा हूं मैं सर, जिससे मामला भड़के? बताइए आप सर पहले, ये पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बहराइच का जो वाकया हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक है, और जिसकी भी हत्या हुई वो भी लायक अफसोस है, और ये घटना नहीं होना चाहिए किसी भी शक्ल में। इस तरह की घटनाओं को जायज करार नहीं दिया जा सकता और उसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। होना तो ये चाहिए कि जब अगर ऐसी कोई घटना हो जाए, कोई वाकया हो जाए, कहीं भी हो अपने देश में, तो वहां पर अमन शांति की बात करना चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए, माहौल को शांत करने की बात करना चाहिए ताकि खुशगवार माहौल हो, जिस माहौल में पहले रह रहे थे वही माहौल फिर दोबारा आ जाए। अब जिस तरह के सर्वश्रेष्ठ ने जो बयान दिया है वो तो वाकई भड़काने वाला बयान है, और उसकी हम जो है वो उसका न समर्थन करते हैं, ना हम हिमायत करते हैं, और ना ही इस तरह के बयानों को हम दुरुस्त करार देते हैं। नहीं शाबुद्दीन जी, वो ठीक है, आप निंदा कर रहे हैं उस बयान की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस हिंसा के बाद एक विशेष समुदाय, यानी एक मैं हिंदू धर्म के तरफ से एक लड़का मर गया, उसकी हत्या हो गई, ठीक है, गलती हो सकता है उनकी, वो जो कह रहे हैं सरवर साहब, लेकिन किसी हिंदू धर्म ने तो नहीं कहा कि देखिए खून के बदले खून, क्या हिंदुओं ने चूड़ियां पहनी है, किसी ने भड़काने का कोई बयान दिया अभी तक? मैं ये जानना चाह रहा था बस आपसे, फिर ये बयान क्यों हुआ है? जी, आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पीछे के बातों की की मिसाल मैं नहीं दूंगा, चूंकि आपने सिर्फ इस वाकये के बारे में पूछा है तो मैं इसी बहराइच वाकये के बारे में बताऊंगा कि किसी भी हिंदू धर्म गुरु ने या किसी भी हिंदू लीडर की तरफ से इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं है। यही बात मेरे अजरा मोबिन जी, देखिये वो अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सचिव है, एक बड़े औहदे पर है, पहले विवादित बयान देते हैं, लेकिन एक हिंदू समाज से, एक हिंदू समुदाय से एक लड़के की हत्या कर दी गई, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, नाखून उसके निकाल दिए गए, आपने अभी तक सुना किसी हिंदू पक्ष, हिंदू संगठन की तरफ से कोई भी विवादित बयान जो भड़काने का काम कर रहा हो, और बावजूद इसके आपके लोग फिर भड़का रहे? अजना मोबिन, हेलो जेपी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही मैम। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी आपने कहा कि उसके नाखून निकाल दिए गए और उसको इस तरीके से मारा गया, तो वहां के एसपी का बयान आ चुका है, उनको ट्वीट करना पड़ा, और वहां के सीएमओ का बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये र्यूमर्स। तो देखिए, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि फेक बातों को न उसको फैलाया जाए, पहली जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है। आप बोल रहे हैं कि नाखून उखाड़ के मारे गए, वहां के एसपी कहते हैं, डीजीपी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहां का सीएमओ बोलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हाँ उसको इतनी गोलियां मारी गई है, ऐसा है, मैंने तो नहीं कहा होगा, मैं भी तो किसी आधार पर ही कह रहा हूँ, उनके परिवार का जो आरोप है मैं तो वो आधार बता रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों आप इस तरह से कोई कुछ भी कहेगा आप रूमर्स को बढ़ावा देंगे क्या साहब? मीडिया का कोई भड़काऊ बयान दिया, एक शख्स की हत्या कर दी गई, पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर भी कोई हिंदू समाज की तरफ से एक बयान बता दीजिए आप। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस माँ खाली तमाशा देखती रही, पुलिस एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है और पुलिस उसको निर्देश देती है, एक व्यक्ति जाकर के वहाँ झंडा उतारने का काम करता है और इतनी भीड़ रहती है कि पुलिस वहाँ जाके उस। अरे अजरा जी, फिर मेरी बात का बयान नहीं दे रही है, मेरे बस इतना सा जवाब दीजिए ना, क्या किसी हिंदू संगठन की तरफ से कोई बयान आया? क्या होती है, शासन और प्रशासन के निर्देश पर हत्या हुई है, पुलिस इतनी खोती है वहाँ उस बंदे को। अजरा मोबिन जी, आप जवाब ही नहीं दे रही मेरी बात का, सिर्फ मैं इससे बात कर रहा हूँ, एक हिंदू धर्म के शख्स की हत्या हो गई, किसी हिंदू धर्म गुरु ने कोई विवादित बयान दिया कि हम बदला लेंगे या हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारा लड़का मार दिया गया, किसी ने कुछ कहा अभी तक? जवाब देती हूँ, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदू को अपनी रक्षा करने के लिए। साध्वी गीता, आप मान ही नहीं रहे ना, यही तो बात है ना, भड़काने का काम आप करते वही आरोप लगते हैं। साध्वी गीता, एक रिएक्शन आपका।
अच्छा अभी रुकेगा जरा साध्वी की तंबा, मुझे मुझ पर बता रहे हैं बात की तंबा, इतने बड़े पद पर बैठ के एक योगी मुख्यमंत्री बने हैं और उस पद पे बैठ, ठीक है साध्वी की तंबा जी, अच्छा मैं अभी रुके, मैं लौटूंगा साध्वी की तंबा जी जल्दी से बताइए, अगर आप इतने ही कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अरे ठीक है अजरा मोहन जी पूछ लेंगे, रुकिए ना साध्वी की तंबा जी से एक रिएक्शन ले लूं मैं, हमारे बोले हैं लेकिन इनके मौलाना जो भड़का रहे हैं, खुद ही अजरा मुदीन जो है खुद ही भड़का रही है लोगों को, ये जरा सा उस बच्चे के प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रही है, ये बकरा और मुर्गा काटते काटते इन लोगों का अभ्यास हो गया है कि मनुष्य को भी ये बकरा मुर्गा ही समझ रहे हैं, और जिस तरह से ये बोल रही है एक महिला के अंदर दर्द होना चाहिए, ये दर्द इनके पास नहीं है, ये किस तरह से बोलती चली जा रही है, इनको जरा सा भी ये नहीं लग रहा है कि तुम किसी बच्चे के विषय में बोल रही हो, उस माँ का जाके देखो घर उजड़ गया है, उसके भाई को देखो उसके परिवार को देखो उसका सब कुछ उजड़ गया है, और आप एक बार भी हमदर्दी ना करके बस खाली गलत गलत बोल रही है कि मीडिया गलत है प्रशासन गलत है, तो सब गलत है, आप सही है नहीं, बस आप सही है, मीडिया गलत हो गया प्रशासन गलत हो गया मुख्यमंत्री गलत हो गया, बस आप सही है बोलने में, जरा सा भी आपको संकोच नहीं लग रहा कि आप क्या बोल रही है, किसी का घर उजड़ गया किसी का बच्चा मर गया और आप एक बार भी उस बच्चे के लिए हमदर्दी नहीं पैदा कर रही है, ऊपर से बोली चली जा रही है, मैं आप बोलूंगी मैं आप जताऊंगी, आपने एक गृहस्थ किसी ने भी अभी कोई बयान नहीं दिया, हिंदुओं में विनोद बंसल जी भी जुड़ गए बीएचपी की तरफ से, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, साध्वी गीतामा जी मैं लौटूंगा, विनोद बंसल जी एक हम जो चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जो सरवर चिश्ती है अजमेर शरका दरी दरगाह के कमेटी के सचिव बताए जा रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि देखिए आप हमें छेड़ेंगे तो फूल नहीं बरसेंगे, अब आप ठीक है अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि उनकी गलती थी, अगर उनकी गलती थी तो क्या आप किसी को मार देंगे, और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म से एक लड़के की हत्या हो गई, किसी भी हिंदू धर्म गुरु ने कोई विवादित बयान नहीं दिया, कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, जबकि ये लोग कर रहे हैं और फिर भी इनके लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, बंसल जी रुके ना अच्छा अरविंद जी आ रहा हूं फिर रखिए ना अपनी बात, अभी सुन नहीं पा रहे हम, ठीक है देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी एक सिकंदराबाद के अंदर एक घटना आई सामने, बड़ा गंभीर मामला है, थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर मसले पर डिबेट आप कर रहे हैं, यहाँ पर सिकंदराबाद में मुथ्यालंबा देवी मंदिर है, देवी मंदिर में एक व्यक्ति को अभी 14 तारीख को ही वो मूर्ति को खंडित करते हुए पकड़ा गया, सुबह 4 बजे की बात है, स्थानीय लोगों ने पकड़ के उस व्यक्ति की खूब ठुकाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, अब उसके बाद में पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पुलिस वहां की क्या कहती है कि साहब ये तो पागल था ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए विश्वेंदु पश ने कल एक पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया, एक हाई लेवल डेलीगेशन कमिश्नर से मिला और वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि वो व्यक्ति मुनब्बर जमा नामक एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो अब वो कहता है मैं तो व्यक्तित्व विकास का काम करता हूँ, उसकी एक वर्कशॉप चल रही थी वहीं पर सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में चल रही उस वर्कशॉप और वहां पर जो जिस तरह से जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जा रहे थे उससे प्रेरित होकर के उसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, आप सोचिए कि ये जो मोटिवेशन कहां से आ रही है, कौन ये मोटिवेट कर रहा है, आखिरकार कौन सी जिहादी मानसिकता, कौन सा पुस्तक और कौन सा स्थान है, मैं सीधा सीधा ये नागपुर की पाठशाला है, ये जो नागपुर की पाठशाला है वहां से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वहां के जो विद्यार्थी है बिल्कुल सही बात है, ये तो ठोकोगे, देखो अगर बटोगे तो कटोगे, ये सब सामने सामने दिख रहा है, लेकिन ये महिला होने के नाते आप जिस तरह से डिबेट में पत्थर फेंक रही है मुझे लगता है ठीक नहीं है, आप तो पत्थर की जगह गोली चलाना चाहती है, अरे भाई किसी को सुनने भी चाहिए ना, अरे पीड़ित पक्षकार हो ना, एक पीड़ित पक्षकार बोल रहा है अपनी पीड़ा को सुना रहा है और आप उसको पत्थर फेंक रहे हैं, उल्टा आप उसको गोली चला रहे हैं, आपका जान से बर्बाद हो गया, आप मुझे बताइए मेरे भगवा को मारोगे भी, मेरे भगवा का अपमान भी करोगे और आप कह रहे हो कि मैं आपका हरा झंडा ना उतारू, और दूसरी बात ये बताइए मेरी यात्रा पर हमला करोगे और उसका लोगों को मारोगे भी और ऊपर से विक्टिम कार्ड भी खेलोगे, चलिए मैं विनोद जी आ रहा हूँ रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर दर्शकों को बता के लौट रहा हूँ मैं, बहराइच हिंसा पर एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, बहराइच में बुलडोजर चलेगा, पीडब्ल्यूडी ने चस्पा किया नोटिस, अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है, यानी अब बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण किया हुआ था इन लोगों ने
अब इन पर बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा दिया है, 3 दिन के अंदर घर खाली करना होगा और फिर उसके बाद नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। ठीक है अजरामोबिन जी, एक रिएक्शन आपसे, बुलडोजर चलेगा? आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ विनोद बंसल जी, आ रहा हूँ आपके पास। हिंदू पीड़ित हिंदू समाज को बोलने का अगर टीवी चैनल पर डिबेट का कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। अरे विनोद जी हम चले जाते हैं भाई। अरे रुक जाए विनोद जी, आप रुकिए। अरे सर उनसे पूछे है ना, आप प्रमोट कर रहे हो, जी न्यूज अगर पत्रवाने को प्रमोट करेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं देखिए विनोद जी सबको मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। ऊपर से गोली चला रही है ये, और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं उसको। यही है इसको कहते हैं डिबेट किया, इसको कहते हैं डिबेट किया। आपके पास आ रहा हूँ, एक रिएक्शन ले लू ना, बुलडोजर चलेगा। ठीक है अजरामोबिन जी, रुकिए अजरामोबिन जी, अजरामोबिन जी उनकी बात ठीक है। अजरामोबिन जी रुक जाइए ना, अभी आप उनको मौका दीजिए ना एक बार, वो आपकी बात जब पूरी हो जाएगी तो आ जाएंगे आपको देंगे। प्लीज आप चुप हो जाइए, उनको मौका दीजिए जी। ठीक है विनोद जी, या तो इनका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं ऑडियो देखिए मैं डाउन नहीं कराता हूँ, मान जाएंगी। अजरामोबिन जी मैं आपको मौका दूंगा तो तब लड़ाई शुरू कर लेना, आप रुक जाइए अभी। ठीक है ये बदतमीजी है बेसिकली, एक महिला के द्वारा इस तरह से शोभा नहीं देता। अभी मेरे को मैं समझ नहीं आ रहा, मैं अब मैं मुझे चूंकि आपका वीडियो नहीं देख रहा इसलिए मैं कह नहीं सकता। ये तमीज नहीं है, अरे किसी रक्ता के बीच में बोलना तमीज है क्या? ये बदतमीजी है विनोद जी, ऐसे तो बात नहीं रख पाएंगे, अब एक दूसरे को हम तमीज सिखाएंगे तो। अजरा जी आप शांत हो जाइए ना प्लीज, पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग कहां से सीख के आते हो? अरे विनोद जी आज राजी, अरे आप ही डिबेट कर लीजिए भाई, मैं ही चला जाता हूँ एंकर, मैं ही छोड़ दूंगी अपनी कुर्सी। अरे मेरी तो सुन लीजिए ना अजरामोबिन जी, रुक जाइए। महिलाएं कभी बदतमीजी नहीं करती, आप देखिए साध्वी जी का सीखिए कुछ, गुजरी साध्वी जी बैठी है उनसे सीखिए कुछ, वो थोड़ा तमीज सीख लीजिए। वो एक तरफ जिहाद हो रहा है और जिहादियों के साथ आप खड़े हो रहे हैं, एक महिला होकर के आप उत्पीड़न का शिकार हो, दूसरा दूसरे लोगों को उत्पीड़न कर रही है। आपको शर्म नहीं चाहिए चैनल पर बैठ करके बोलते हो और ऊपर से बदतमीजी भी करते हो, शर्म नहीं चाहिए आपको? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महिला को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप लोग। आपको करते नहीं है तो कम से कम भगवान मत करिए, भगवान मत करिए। ठीक है प्लीज अब अजरामोबिन जी, अब तो प्लीज अब हो गई। ठीक है आप लोगों की भड़ास निकल गई तो आगे बढ़े, हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। विनोद जी जल्दी से अपनी बात कहिएगा फिर प्लीज। अजरा जी आप चुप रहो, एक जिहादी मानसिकता के साथ आइए। ठीक है विनोद जी आप भी रुकिए ना, विनोद जी प्लीज आप भी रुक जाइए ना थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाए विनोद जी, आगे नहीं बढ़ेगी हमारी चर्चा। लेकिन भैया ये ध्यान रखिए, मुझे बोलवाना तो इनका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है अजरामोबिन शांत, अब आप जल्दी से बात रखिए फिर मुझे बाकी लोगों को, क्योंकि हमारी डिबेट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही निकल गई है। ठीक निसंदेह, देखिए डिबेट का कुछ डेकोरम होता है, कुछ तथ्य और सत्य पर बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए, ये पत्थरबाजी थोड़ी करनी है डिबेट के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने जो सिकंदराबाद की घटना का आपको जिक्र किया उसके पीछे मकसद ये है कि आखिरकार कोई तो सुनियोजित षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र के तहत आप देखिए पहले तो यात्रा को रोका गया, उसके बाद हमारे भगवा झंडे को फेंका गया, फाड़ा गया, और उसके बाद तीसरा कर किसी ने ऊपर जाकर के उसके वो इस्लामिक जो मुसलमानों के झंडे जो अपना जिहादी झंडा था उसको उतारने की कोशिश की तो उसकी सजा, इसका मतलब ये है कि आप जान से मार दो लोगों को, और इस तरह से ऊपर से सर्वर चिट्ठी जैसे जो ये जो वहां पर बैठे हुए नवाब है वो और ये इस्लामिक जिहादी संस्थाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चिट्ठी फैमिली है, आपको याद होगा जो कि मेयो जो अपने स्कूल कांड था, जो सामूहिक बलात्कार कांड था, उसमें पूरा का पूरा परिवार संलिप्त रहा है, और आप ये कहानियां घट रहा है। मैं और कहूंगा कि देखिए ये जो अजमेर की दरगाह है हिंदू द्रोह का बहुत बड़ा अड्डा है, हिंदू समाज को भी समझना पड़ेगा, ऐसी दरगाहों के चंगुल में न फंसे, किसी भी तरह से एक नया पैसा इन दरगाहों को बना चढ़ाए, मत्था टेकना तो बिल्कुल महापाप है, और ये आपके पैसे का दुरुपयोग इस तरह से कर रहे हैं, आपके ऊपर ही हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इसलिए इस पर तो गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए समाज को भी
कैसे दरगाह मस्जिद मजारों के बिल्कुल रुख न करें। ठीक है ठीक है ठीक है, बंसल साहब रुकेगा। अजरा मोबिन जी मेरा एक सवाल है, देख मैं आगे बढ़ता हूँ, डिबेट के एक पार्ट हो गया, अब अगले मेरा सवाल है। अजरा मोबिन जी देखिए, आपको ईमानदारी से बताना होगा, जब भी कोई हिंदू जुलूस निकलता है, हिंदू यात्रा निकलती है, तो बवाल हो जाता है। अब बताइए, आपके बारह वफात का जुलूस निकला, आपका मुहर्रम का जुलूस निकला, डीजे बजे, कुछ बजे, किसी हिंदू ने एक किसी एक उदाहरण दे दीजिए कि इस जगह पर पत्थर बरसाए हिंदुओं ने, कभी सुना आपने कि हिंदू पत्थर बरसा रहे हैं लोगों पर? जेपी शर्मा जी बहुत धैर्य से सुनिएगा मेरा जवाब। जब बारह वफात का जुलूस निकलता है या मुहर्रम जुलूस निकलता है, तो क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति जबरदस्ती किसी के घर में जाके कहता है कि नहीं तुम हरा झंडा लगाओ, बारह वफात का झंडा लगाओ, मेरे मुहर्रम का झंडा लगाओ और चढ़ करके उसकी रेलिंग को तोड़ देता है? क्या कभी मैडम वो कह रहे हैं कि उनकी मूर्ति खंडित की गई, पथराव वहां से हुआ, वो तो ये आरोप लगा रहे ना, पत्थर तो विशेष समुदाय के लोगों ने बरसाए। विनोद बंसल जी भी यही आरोप लगा रहे हैं, उल्टा चोर को तो बनाते हैं। अरे विशेष समुदाय नहीं है, जिहादी समुदाय है। जिधर से पत्थर फेंकना जो फोटो आई है उसमें देखा जा रहा है, भगवा झंडे के लोग भगवा झंडा ओढ़े हुए हैं और वो पत्थर फेंक रहे हैं। अब आप उसमें क्या कपड़ों से खाली पहचानते फिरेंगे? आपको लगता है कि ये क्या दंगाई जो थी उनका कोई धर्म है? भगवा झंडा वाला कोई पत्थर नहीं फेंक, भगवा झंडे वाले को कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं मिलती। आप जैसे लोगों को लगता है मक्का मदीना में जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, लगता है यहाँ पत्थर फेंक कर जाते हैं, मक्का मदीना में ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ पर पत्थर फेंक कर जाते हैं, क्या यही है क्या? हमारे यहाँ कोई पत्थर फेंकना नहीं सिखाता, नाम कोई पत्थर फेंकने की नहीं बोलते। मुझे चुप होना चाहिए, अब ये खुद ही वही करने लगे, खुद ही वही करने लगे। मैं डिस्ट्रिक्ट में, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ मूर्ति विसर्जन था, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहे हैं। जेपी कल वहां पर मूर्ति विसर्जन था, तो वहां पर कुछ लोगों ने चाहा कि मंदिर के सामने मस्जिद के सामने से इतोली रोड पड़ता है वहां की मस्जिद के सामने से डीजे बजाते हुए हम लेकर के निकल जाए, और उनके एक जो पुरियोजित उनकी जो एक मंशा थी करने की कि यहां भी डीजे प्रतिबंधित है क्या? और मस्जिद के सामने से निकलना क्या डीजे मस्जिद के सामने से निकलना प्रतिबंधित है क्या? आप बताइए ना, क्या मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हम? मेरी पूरी बात सुनिए, सामने से भगवा झंडा नहीं ले जा सकते क्या? तो नहीं होता है, लेकिन तभी मंदिर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हम रोड पे भी? कर्नाटक हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने परसों निर्णय दिया है, वो कहते हैं मस्जिद के अंदर भी अगर जय श्री राम का नारा लगाओगे। मैं लौट रहा हूँ, अजरा मोबिन जी रुकिए, आप हो गई बात आपकी। बंसल साहब रुकिएगा। शाहबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहबुद्दीन जी, ये आपको नहीं लग रहा है ऐसे जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब देखिए अजरा मोबिन कितना खतरनाक बोल रही है, अब किसी ये तो एक भड़काऊ वाली बात हो गई ना सर? अब शाहबुद्दीन जी, आप जैसे मुस्लिम धर्म गुरु, ये तो कट्टरता बढ़ती जा रही है दोनों धर्मों में इस तरीके से, तो ये सब लोग मिलकर एक दूसरे को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमारा मजहब सभी को सम्मान, इज्जत और एहतराम देता है, किसी की तौहीन करने की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता है, इसलिए हम सभी की इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब रह गई बात बहराइच के वाकये की, और जो वाकया इस तरीके से वाकयात होते हैं उसमें गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दोषी होता है, दोषी उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है पॉलिटिकल लोग पीछे होते हैं और वो इस तरह की घटना अंजाम कराने के लिए। शाहबुद्दीन जी मैं तो उदाहरण पूछ रहा हूँ ना, आप इनको देखिए, बंसल साहब को उदाहरण देके चुप कराइए, साध्वी गीतांबा जी को चुप कराइए कि भाई के आपके हिंदू संगठनों ने यहाँ पत्थर बरसाए, कि हमारा बारह वफात का जुलूस निकल रहा था, आप लोगों ने हमारे यहाँ पर पत्थर बरसाए, हमारा यहाँ पर देखिए और यो याद जुलूस निकल रहे थे तो आपने यहाँ पत्थर बरसाए, इनको चुप कराइए हिंदू धर्म गुरुओं को। आप देखिए, मैं किसी को चुप नहीं करा सकता हूँ, मगर मैं मिसाल के तौर पर एक दो उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस में सबने कवरेज किया था, और उस वक्त के वीडियोस देखेंगे तो मिल जाएंगी, हाथ में सबके नंगी तलवारें थी, फिर उसके बाद में वो जुलूस जब आगे बढ़ता है तो एक मस्जिद मुहर्रम के जुलूस में तलवार नहीं है, सिर्फ लहू भी होता है। मुहर्रम के जुलूस में पता है सिर्फ तलवार नहीं होती, वो लहूलुहान करते हुए जाते हैं
और वो तो शाहबुद्दीन जी वहां भी तो यही हुआ था ना। शाहबुद्दीन जी आपकी बात सही है, लेकिन बंसल साहब, बंसल साहब जी आप बोल लीजिए, बंसल साहब मैं नहीं बोलूंगा। शाहबुद्दीन जी मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का जो आप मामला बता रहे हैं वहां भी ये हुआ, वो तलवारें लेकर जा रहे थे, लेकिन आरोप तो यही लगा था ना कि मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया लोगों ने, फिर वहां दिल्ली में भी यही हुआ। टाइम भी विनोद बंसल जी को दे दीजिए आप, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं ये इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड। बोलिए विनोद जी, इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड। भाई साहब आप बोलिए लेकिन झूठ मत बोलिए। मैं कहता हूँ अगर आपको झूठ बोलोगे तो रोकना पड़ेगा ना मुझे। बोलिए आप, बोलिए। नहीं आप कौन होते हैं, चैनल के मालिक हैं आप, जो है आप रोकेंगे, आपकी हैसियत क्या है? मैं मेरी हैसियत नहीं बोलने वाला हूँ, खामोशी के साथ सुनता रहा हूँ। आपकी तरह कोई सड़क साफ नहीं हूँ, किस तरह की भाषा ले लेते हैं? हैसियत क्या है? कौन है कौन है? मैं जानता हूँ मालिक जी को, मैं आपको बोलिए। चलिए बात को छोड़िए। नहीं नहीं देखिए, अब यहाँ भाषा का स्तर एक दूसरे के प्रति ना गिरा है, प्लीज 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 अब रुक जाइए। अब इतना देखिए भाषा का स्तर कम से कम यहाँ चर्चा में ना रहे। साध्वी गीतांबा जी, साध्वी गीतांबा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से चले, मैं देखिए मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। साध्वी गीतांबा जी, एक देखिए ये बड़ी सब बात है, इनको समझाइए विनोद बंसल जी को। मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ, इनकी बात सुनता रहा, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बोला हूँ, सत्य नहीं है। तो जब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं है, तो चुप रहिए। के दरमियान नहीं, अगर है तो बोलिए। आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि आखिरकार ये जो हमला हुआ क्या हुआ, जो सकंदराबाद की जो कहानी आप लोगों की हत्या सुनाई है, ये सरासर झूठ पर मबनी है। आपके जैसे लोग जो है जो खबर फैर देने का काम करते हैं, उन्हीं के कारण इस तरह की घटना को बढ़ावा मिलता है। आप झूठ बोलते हैं, आग पास में कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ठीक है, शाहबुद्दीन जी रुकेगा, साधु किताब साधु किताब करके बंसल जी आप दूसरों का झूठ बना रहे हैं, आप फैला रखा है। ठीक है, वो बोलता मैं हूं साधु किताब जी, साधु किताब जी, ये क्योंकि देखिए झगड़ा करके आए घर से, आपने अभी इजरा मोमिन को बोलने नहीं दिया, और फिर आप मैं बोलता रहा शांति के साथ। आप तो चले ठीक है ठीक है ठीक है, बंसल साहब रुकिए ना, शाहबुद्दीन जी रुकिए, शाहबुद्दीन जी रुकिए, साध्वी गीतांबा जी कुछ बात रख रही है, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। साध्वी गीतांबा, सरवर चिश्ती के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला, मुस्लिम धर्म गुरु है, इन्होंने कुछ बोला कि नहीं वो गलत आदमी है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो मैडम अभी चिल्ला रही थी, अजान दे रही थी, उनसे पूछिए कि उन्होंने उस बच्चे के हमदर्दी में कुछ शब्द बोला, वो अपने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला, और इस तरह से चिल्लाती जा रही जैसे लग रहा है कि नमाज अदा कर रही है और अजान दे रही है। बस चिल्लाने से नहीं ना होगा, आप कम से कम आप अगर टीवी पर बैठे हैं तो न्याय तो बोलिए, लोग समझे तो कि नहीं आपका धर्म भी कुछ न्याय करता है। आप तो बोलने में एकदम गए, अरे आप ये तो बोलिए कि नहीं उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। झंडे के लिए किसी का आप गोली मार देंगे, झंडे के लिए किसी की जान ले लेंगे, झंडे के लिए आप किसी का गोद उतार देंगे। वाह भाई बढ़िया है, कौन सा आपका राष्ट्रीय झंडा है? वो धार्मिक झंडा था ना, राष्ट्रीय ध्वज नहीं ना था? और जिस तरह से आप लोगों ने दोनों, आपकी या तो बहन हो या बेगम हो जो भी हो, जिस तरह से वो उल्टा सीधा बोल रही है, उनसे कहिए कि कम से कम अजान न दिया करें टीवी पर, वो कम से कम अच्छी बात बोले और अच्छी बात सुनने की क्षमता रखे। अकेले एक महिला बनकर के हम महिला है महिला है महिला महिला का मतलब क्या होता है कि किसी के पुरुष के साथ बदतमीजी आप कर दीजिए, किसी के साथ आप बदतमीजी करती जाइए और कोई ना बोले हम महिला है, ये कौन सी महिला बने भाई? ठीक है, अजरा मोबिन, अजरा मोबिन जी, अजरा मोबिन है। एक बार भी इन लोगों ने सरवर चिश्ती के खिलाफ नहीं बोला कि वो कितना गलत आदमी है, कितना गलत बोल रहा है, वो आदमी कितना गंदा है जो इस तरह से किसी का। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, ये कट्टरता क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए समझ बात ये है कि ये जो कुछ पुस्तकें हैं, कुछ स्थान हैं जो कि, और कुछ लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कि भारत की बर्बादी पर तुले हुए हैं। जो जिन्ना ने कहा था ना कि हमने लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आप देखिए कि जो जितना टोटल एरिया पाकिस्तान का नहीं है, उससे ज्यादा ये बकपोर के माध्यम से भारत का कब्जा चुके हैं। अब ये जो मानसिकता है, ये जो विक्टिम कार्ड है, भारत के खिलाफ जो युद्ध का एक तरह से शंखनाद है, ये मदरसों से चल रहा है। ये जो इनके जो मजहबी उलेमा है, इनको धर्मगुरु कहने का गलती ना करें हम लोग, और ना ही इसको धर्म कहें। ये जो मजहब और मजहबी जो उलेमा है, वो इनको भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता
कि अल्टीमेटली इस्लाम की छवि क्या बना रहे हैं ये। ग्लोबली इस्लाम की जो छवि बन रही है ऐसे कट्टरपंथी लोगों के कारण ही बन रही है। दुनिया जान रही है कि भारत के अंदर सर्वाधिक मुसलमान है। चलिए देखिए, लेकिन बहुत बहुत वाकई में ये बहुत वो है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज हो जाता है जब आप हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते हैं, तो एक एंकर के तौर पर वाकई में चैलेंज हो जाता है गेस्टों को संभालना जब दो समुदाय के धर्मगुरु आपस में भिड़ जाएंगे। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।